हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहास चैनल। आज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। उस वीडियो में मैंने उन हीरोइंस के बारे में बात करी है जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने के साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले नंबर पर आती हैं शर्मिला टैगोर। हिंदी सिनेमा की प्रतिष्ठित दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक हैं शर्मिला टैगोर। इन्होंने शादी के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था और इनका नाम रखा गया था बेगम आयशा सुल्ताना। सुनो पासना, चली के बहाने प्यार ना जता। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवर के बहाने आंख ना लड़ा। नंबर टू पर आती हैं नयनतारा। कर्नाटक के बेंगलोर में एक ईसाई परिवार में जन्मी एक्ट्रेस नयनतारा ने भी 2017 में हिंदू धर्म को अपना लिया था। उन्होंने चेन्नई के आर्य समाज मंदिर में धर्म की दीक्षा भी ली थी। लिस्ट में अगला नाम जो आता है उनका नाम है नरगिस। संजय दत्त की माँ और दिव्यांगत सुनील दत्त की पत्नी नरगिस ने भी शादी के लिए अपना धर्म परिवर्तन करा था। जी हाँ, सुनील दत्त से शादी के बाद नरगिस ने हिंदू धर्म अपना लिया था। लिस्ट में अगला नाम आता है नगमा का। नगमा ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा अपने विश्वास के लिए किया था क्योंकि उनका मन हमेशा से ईसाई धर्म की ओर झुकाव महसूस करता था, इसलिए उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। नाम आता है हेमा मालिनी जी का। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने भी धर्मेंद्र जी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था और उनका नाम आयशा रखा गया था। हालांकि ये हेमा मालिनी की पहली शादी और धर्मेंद्र जी की दूसरी शादी थी क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक देने से मना कर दिया था। अगला नाम आता है हेजल कीच। हेजल कीच और क्रिकेटर युवराज ने साल 2016 में शादी की थी और अपनी शादी के लिए हेजल ने अपना धर्म बदला था। जी हाँ, हाफ ब्रिटिश और हाफ इंडियन हेजल ने सिख धर्म अपनाया था और उनका नाम गुरु बसंत कौर रखा गया था। अगला नाम आता है आयशा टाकिया का। टार्जन और वांटेड जैसी फिल्मों में अपनी खूबसूरती से फैंस को अपना दीवाना बनाने वाली आयशा टाकिया ने भी फरहान आजमी से शादी। सारा अली और इब्राहिम अली खान की मां अमृता सिंह ने भी सैफ अली खान से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया था, लेकिन दोनों का रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया और दोनों अलग हो गए। लेकिन चाहोगे वहाँ पर याद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम